लोगों से जो संभव है हम लोग मदद कर रहे हैं, वो मदद करेंगे, बचा हुआ काम भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से जो स्थिति आई, हम लोगों ने यही तय किया कि अब हम लोगों को काम करना पड़ेगा पर्यावरण के संरक्षण के लिए और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको रोकने के लिए। और उसके लिए जो जल जीवन हरियाली अभियान है इसको मिशन मोड में लागू कर रहे हैं। और इसका 11 है, आपको मालूम है जितने सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पाइन है, इस सब को चिन्हित करके रखा के लिए बीच में बोल रहे हो, अगर ये नहीं सुनोगे तो बचोगे नहीं। कोई बहकाता है भड़को मत, बात सुनो, हम एक एक आदमी की बात सुनते हैं। बीच में क्यों बोल रहे हो, मीडिया के फोटो के लिए सोच रहे हो, बचोगे बचोगे नहीं बचोगे, कान खोल करके ध्यान से सुनो। जल जीवन हरियाली अभियान क्या चीज है, अगर नहीं सुनोगे, किसी के बहकावे में आकर इधर उधर जाओगे, बचोगे नहीं, सब जाएगा। इसलिए जरा सचेत होइए और इसके लिए ही जागरूकता सम्मेलन है ये। ये बात को सुनो ध्यान से। पहला है सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पाइन को अतिक्रमण से मुक्त कराना। दूसरा है जितने सार्वजनिक पोखर, आहर पाइन, तालाब है, सबका जीर्णोद्धार। उसके बाद हर घर नल का जल दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सार्वजनिक कुओं को भी फिर से उसका जीर्णोद्धार करना है। चापा कल भी हमेशा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जब से चापा कल का सिलसिला शुरू हुआ लोगों ने कुआं पर ध्यान देना छोड़ दिया, और कुआं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे पूरे बिहार में सार्वजनिक कुओं का पता करके उसका जीर्णोद्धार हम लोग करा रहे हैं, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार। और इसके बाद जितने सार्वजनिक कुआ है या चापा कल है वो सब के बगल में स्वच्छता का निर्माण कराएंगे कि पानी इस्तेमाल करिएगा, जो आपके इस्तेमाल के बाद पानी जो बाहर निकलता है वो नाला में नहीं जाए, वो स्वच्छता बना करके ताकि पानी अंदर जाए और नीचे का जो जल स्तर है वो कायम रहे। और ये जो हम लोग सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पाइन, ये सब की बात जो कर रहे हैं, कुओं का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इसी से ये जो भूजल स्तर है उसमें जो कमी आ रही है उसमें रुकावट आएगी। और इसके बाद नए जितने छोटी नदियां हैं, जो भी है जंगल पहाड़ी क्षेत्र, जल संरक्षण के लिए चेक डैम का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों में शुरू कर रहे हैं वर्षापात जो होता है, जो छत पर वर्षा आता है उसका संचयन करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको कहते हैं, वो काम हम लोग करेंगे। ये काम की शुरुआत कर दी है और कई जगह हम देख करके आए हैं ये सब हो रहा है। ये तो हुआ पानी की रक्षा। और उसके बाद दूसरा चीज है हरियाली। झारखंड जब अलग हो गया तो बिहार में कितनी हरियाली थी, कितना कम जंगल तो कम है ही बिहार में, पूरा जो हरित आवरण है पेड़ पौधों के बाद वो अभी कम। जो आकलन हुआ पूरे बिहार में मात्र 9%, अब आप कल्पना करिए इतनी बड़ी आबादी और मात्र 9%। हम लोगों ने 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की, 24 करोड़ पौधा लगाने का निर्णय लिया, 19 करोड़ पौधे लगाए गए और अब संख्या बढ़ गई है हरित आवरण की लगभग 15%। लेकिन उससे हम लोगों को संतोष नहीं है, अभी और बढ़ाना है। अगले 3 वर्षों में 8 करोड़ पौधे और लगाएंगे, हर सड़क के किनारे हर जगह पौधे लगाएंगे और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का 8वां मुद्दा है हरियाली का, ये काम हम लोग कर रहे हैं इसका बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। और उसके बाद मौसम के अनुकूल खेती, मौसम के अनुकूल खेती करने से ही किसानों को ज्यादा फायदा होगा, इसलिए मौसम के अनुकूल फल चक्र पर पूरा का पूरा हम लोग काम करना शुरू कर दिया। और इसके लिए कई संस्थाओं को मिला करके
हम लोगों ने टीम बनाई है और उस टीम के द्वारा ये काम हम लोगों ने शुरुआत करा दिया। लोगों को प्रेरित करेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रेरित करेंगे लोगों को कि मौसम के अनुकूल फसल चक्र। और दूसरी बात, आजकल जो बीमारी शुरू हुई पंजाब और हरियाणा से, लोग पुआल में आग लगाने लगे, पराली में फसल अवशेष को, वो बहुत गलत बात है, पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। और उसके बाद जो आपकी मिट्टी है उसकी ताकत को, उपज की ताकत को घटा रहा, इसलिए बड़े पैमाने पर उसका भी अभियान, और उसमें भी हम लोगों ने कई निर्णय ले लिया, कई प्रकार की मशीन लोगों को खरीदने के लिए 75% से लेकर 80% का अनुदान, ताकि ये काम न करे, और उसके लिए भी अभियान चल रहा है। तो यह भी हम लोगों का 9वां हिस्सा। और 10वां हिस्सा है, हर घर बिजली पहुंचा दिया, लेकिन ये बिजली कितने दिनों तक रहेगी, कोयला कब तक रहेगा, तो असली बिजली जो ऊपर नजर आ रहा, जो सूर्य भगवान में ताकत है, सूर्य में जो सौर ऊर्जा है, वही असली ऊर्जा है, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए और उसको लोगों को उसके लिए प्रेरित करने के लिए हम लोग सोलर प्लेट, जो सरकारी बिल्डिंग्स है सबसे पहले वहां सोलर प्लांट लगा रहे, उसकी काम की शुरुआत करके सब लोगों को प्रेरित करेंगे। तो ये 10वां काम और 11वां काम है, ये काम करेंगे लेकिन इसके साथ साथ लोगों को प्रेरित करेंगे, ये अभियान चलाते रहेंगे। अगर ये अभियान निरंतर नहीं चलेगा, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए अभियान भी चलेगा। इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान, उसकी योजनाएं मिशन मोड में लागू की जा रही है। एक एकड़ से कम वाला भूमि का तालाब है, उसका काम तो मनरेगा से होगा, उसके बाद सारा का सारा काम राज्य सरकार से होगा। और जान लीजिए 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के इन 10 योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए, और अभियान तो चलता ही रहेगा, इसमें राज्य सरकार ने 24,500 करोड़ रुपए की योजना बना दी है और उस पर काम शुरू किया है, इसके काम की शुरुआत हो रही है। इसलिए हम जगह जगह जाकर देख रहे हैं, हर जिले में कम से कम एक जगह हम जरूर जाकर देखेंगे, देखते हैं कि काम कैसा हो रहा है और इसको और बेहतर कैसे करना है, लोगों को भी सुनते हैं, ध्यान देते हैं, और तब ये काम बहुत अच्छा होगा और बिहार फिर उस पुरानी स्थिति में आएगा जब इसका भूजल स्तर नीचे नहीं जाएगा, पर्यावरण अनुकूल रहेगा और खेती बाड़ी सब अच्छी होगी। तो इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और ये जल जीवन हरियाली अभियान, और ये काम तो करेंगे लेकिन इसके साथ साथ ये अभियान चल रहा, इसकी शुरुआत हुई है, तो सब लोगों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम विकास का काम करते हैं, समाज सुधार का भी काम करते हैं, बहने बैठी हुई है, इन्हीं लोगों की मांग पर शराबबंदी लागू हुआ, शराबबंदी का कितना फायदा, पहले क्या बुरा हाल था, महिलाओं ने, हम सब जगह घूमे 16 में लागू करने के बाद, महिलाओं ने कहा, कई जगह कहा अपनी बात, एक महिला ने कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में आते थे घर, लौट कर घर आते थे झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, अब शराबबंदी लागू हुआ, शाम में घर आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद कर लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं, ये बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन कुछ आदमी है भाई, कुछ तो गड़बड़ सोच वाला रहेगा, आप कितना भी काम करिए कुछ ना कुछ घटपच करने वाला आदमी, गड़बड़ करने वाला आदमी रहेगा, पाया दाया करेगा, इधर से उधर करेगा। तो भाई बहनों से प्रार्थना है, अभियान चलाते रहिएगा, अभियान चलाते रहिएगा, जो कार्रवाई है वो तो होती है, अब जान लीजिए 74 स्पेशल कोर्ट बनने जा रहा है, जो इस शराबबंदी के, जो शराबबंदी का जो विरोध करेंगे, जो गड़बड़ करेंगे, वैसे लोगों पर जो कार्रवाई होती है
74 स्पेशल कोर्ट बनने जा रहा, तो ये सब काम तो है। और बहुत लोग आलोचना करते थे हमारी कि भाई गरीब गुरबा आदमी पकड़ा रहा। अरे भाई, गरीब गुरबा आदमी कोई शराब से ताड़ी से जुड़ा था, उसके जीवन को बदलने के लिए जीविका की दीदियों के माध्यम से न सिर्फ उनकी पहचान बल्कि उनको प्रेरित किया जा रहा है। और सतत जीविकोपार्जन योजना हम लोगों ने चलाना शुरू किया, उसमें उन परिवार के लोगों को प्रेरित करके 60,000 रुपया से लेकर 1,00,000 रुपए की मदद कर रहे हैं कि कोई दूसरा काम करिए। और हजारों परिवार ने इसको अपना लिया। हम कई जगह जाकर देखे, कितनी खुशी है कि आप वो दूसरा काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी आमदनी हो रही है।